नमस्कार दोस्तों, कुमार्स किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रहा हूँ सेवैयों की खीर, और ये जो खीर है वो मैं एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट के साथ बनाने वाला हूँ। तो चलिए इसे बनाना चालू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी खीर के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर लूँगा। तो उसके लिए मैंने एक पैन में थोड़ा घी गर्म कर लिया है, और उसमें बारीक कटे हुए काजू और कुछ किशमिश है जो मैं अभी थोड़े से भून लूँगा। अब हमारे ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो चुके हैं, अब हम हमारी सेवैयाँ भून लेते हैं। तो सेवैयों के लिए मैंने पैन में एक बड़ा चम्मच घी गरम कर लिया है। अब उसमें मैं एक कप सेवैयाँ डालूंगा। अब इन सेवैयों को हमें अच्छे से भून लेना है। सेवैयों को ज़्यादा डार्क कलर पे नहीं भूनना, बस थोड़ा सा हल्का गोल्डन रंग आने तक ही हमें इसे भूनते रहना है। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा रंग आया है इनको। तो अब हम हमारी खीर के लिए दूध उबाल लेते हैं। तो ये मैंने एक बड़ा कटोरा दूध लिया था, साधारण 200 या 250 ml दूध है ये। तो जब तक ये दूध उबल रहा है तब तक मैं आपको एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट बताता हूँ। ये मैंने दो बड़े चम्मच खोया, या फिर जो आप इसे मावा भी बोल सकते हैं, वो लिया है। उसे मैंने अच्छे तरह से भून लिया है। आप देख सकते हैं सॉफ्ट होने तक मैंने इसे भून लिया है। अब ये भुना हुआ मावा जो है वो मैंने एक बाउल में ले लिया है। अब मैं इसमें एक बड़ा चम्मच दूध डालूंगा, और दूध डालने के बाद दूध और मावे को हम अच्छे से एक साथ मिला लेंगे। अच्छे से मिला लेना है हमें इसे। अब इसमें मैं डालूंगा एक छोटा चम्मच इलायची की पाउडर, इससे अच्छा बहुत फ्लेवर आएगा। तो अब हमारा दूध भी अच्छे से उबल रहा है। जब दूध को अच्छे से एक बार उबाल आ जाए तो अब हम इसमें डालेंगे हमारी सेवैयाँ। तो सेवैयाँ डालने के बाद हमें इन्हें अच्छे से चलाते रहना है ताकि कोई गुठलियाँ ना बने, और चलाने के बाद हम इसे और एक बार उबाल आने देंगे। लगभग 2 या 3 मिनट तक हमें इसे उबलने देना है ताकि वो जो दूध है वो अच्छे से गाढ़ा हो जाए। आप देख सकते हैं कि दूध अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। तो अब हमारी जो सेवैया है वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे एक कप चीनी। तो चीनी जो है वो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आप जितना मीठा पसंद करते हो उतना। अब चीनी डालने के बाद हम इस खीर को एक बार अच्छे से उबलने देंगे, और उबलने के बाद हम इसमें डालेंगे दूध और मावे का मिक्सचर। ये जो हमारा मावे और दूध का मिक्सचर है उसके वजह से हमारी जो खीर है वो बहुत क्रीमी बनती है, बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी आती है इसको। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा रंग आया है इसको। अब हमारी खीर को एक उबाल आने के बाद हम इसमें हमारे भुने हुए ड्राई फ्रूट्स डाल लेंगे जो हमने सबसे पहले भून के रखे थे। अभी हमारी सेवैयों की खीर खाने के लिए एकदम तैयार है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, और ट्राई करते समय मेरा जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है उसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। आपकी इस खीर बहुत ही क्रीमी और टेस्टी बनेगी। अब इस खीर को मैं अच्छे से मस्त ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लूँगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।